बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने शनिवार को बुलंदशहर में एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर मायावती ने कहा कि हमारे अली भी है और बजरंगबली भी है, हमें दोनों चाहिए, दोनों के गठजोड़ से अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मायावती ने कहा कि प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ को न तो अली और न ही उनकी जाति का वोट मिलेगा। दोनों वर्ग कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं। उनकी पार्टी धर्म जाति पर वोट नहीं मांगती, ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा करती है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने यहाँ के अनूप शहर रोड पर मौसमगढ़ में मंच पर माइक थामते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अली और बजरंगबली को लेकर बयान दिया था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि ये पार्टी भी पीछे नहीं है, राफेल जैसे मामले निकल रहे हैं, सीमा पर आज भी आतंकी घुसपैठ करते हैं, भाजपा व कांग्रेस ने सीबीआई समेत तमाम विभागों का गलत प्रयोग किया है। बुलंदशहर के बाद मायावती की दूसरी रैली बदायूं में एसएस बालिका इंटर कॉलेज में होगी। ये गठबंधन की संयुक्त रैली होगी। इसके बाद 16 अप्रैल को आगरा, 19 अप्रैल को मैनपुरी, 20 अप्रैल को रामपुर और फिरोजाबाद में संयुक्त जनसभाएं होगी। 25 अप्रैल कन्नौज, 1 मई को फैजाबाद, 8 मई को आजमगढ़, 13 मई को गोरखपुर और गठबंधन के साझा रैलियों के अभियान का समापन 16 मई को वाराणसी में होगा। गठबंधन की ओर से साझा रैलियों में मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, फिरोजाबाद और आजमगढ़ वो सीट है जो फिलहाल यादव परिवार के पास है। आधी साझा रैलियां इन्हीं सीटों पर हो रही है। 11 साझा रैलियों में से सहारनपुर और आगरा महज 2 ऐसी सीटें हैं जो बहुजन समाज पार्टी के खाते में है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को इनकी इस बात का जरूर जवाब देना चाहूंगी जो इन्होंने हमारे गठबंधन के बारे में इशारा करते हुए ये कहा है कि यदि इनके अली हैं तो हमारे बजरंगबली हैं, ये कहा है। लेकिन इस संबंध में मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अली भी हैं और बजरंगबली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से कोई भी गैर नहीं है। इसलिए हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। और खासकर हमें बजरंग बली इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की दलित जाति से ही जुड़े हैं और इनकी जाति की खोज मैंने नहीं की है बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने की है और इन्होंने ही खुद जनता को ये बताया है कि बजरंग बली वनवासी व दलित जाति के ही हैं और इसलिए मैं इनकी बहुत बहुत आभारी भी हूँ, योगी जी की बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि इन्होंने हमारे वंशज के बारे में हमें ये बहुत खास जानकारी दी, अति महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अब हमारे साथ अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं, जिनके गठजोड़ से हमें चुनाव में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है।